हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। तो गाइस, आज के वीडियो में आपको सीएचओ का पुराना पेपर है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए। ये गाइस 2018 का क्वेश्चन पेपर है और ये मुझे एक फ्रेंड ने भेजा हुआ है। उसने कहा है कि केरला सीएचओ का पेपर है, बट यहाँ पर जो एग्जैक्ट तो नहीं पता है कि सीएचओ का ही पेपर है या फिर पब्लिक हेल्थ नर्स का पेपर है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कॉमन क्वेश्चन लग रहे हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन भी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें कुछ जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है 80% क्वेश्चन है वो सभी नर्सिंग सब्जेक्ट के क्वेश्चन है। यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ वीडियो। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम द कैपिटल ऑफ द इंडियन स्टेट मिजोरम। जो यहाँ पर मिजोरम की कैपिटल क्या है, तो मिजोरम की कैपिटल है सॉरी ऐज़वाल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऐज़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच इंडियन स्टेट इज एविडेंट इन ब्लैक सॉइल। तो इंडिया के किस स्टेट में सबसे ज़्यादा मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है, तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है जो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचीविंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया स्टेट्स इन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम नोन इज। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इन ईस्टर्न इंडिया में जो एक प्रोग्राम है, इसका प्रोग्राम का है जो क्या नाम है, तो इस प्रोग्राम का नाम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कमीशन अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टू इंक्वायर अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो उस कमीशन का नाम बताइए जिसने, जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के टाइम पे अपॉइंट की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बारे में जांच करने के लिए, तो उस कमीशन का नाम है हंटर कमीशन। सो हियर इज द आंसर इज डी। नेक्स्ट इज, कॉमनवेल्थ वाज अ न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय। तो कॉमनवेल्थ नाम का न्यूज़पेपर है, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो इसको स्टार्ट किया था एनी बेसेंट ने। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट इज, हु फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन आत्मविद्या संगम। आत्मविद्या संगम नाम के ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना है जो किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी बाघ वनंदा ने। तो यहाँ पे आंसर आएगा क्या, ए। ये गाइस, इसमें कुछ क्वेश्चन है जो साउथ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे, क्योंकि इसमें जो नाम है जिस टाइप के उसके कारण। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है स्पेशली नर्सिंग क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उनको अच्छे से याद रखिए। और आपको जो सीएचओ का पेपर होने वाला है उसमें कहा है कि 10 नंबर का आपको जीके आएगा। जीके में आपको स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ सकता है, एक जो बुक्स रहती हैं उनके ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और एक दो क्वेश्चन है जो आपको करंट अफेयर से आ सकते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज से लेके, तो आपको इन्हीं फील्ड से क्वेश्चन आएंगे। और जो जनरली अभी तक जो पेपर हुए हैं उनमें उन्होंने करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे हैं, तो आप लोग 2019 का जीके रेडी रखिए, करंट अफेयर है जो रेडी रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री वॉन द हाइएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इन द गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2018। 2018 में जो गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा किस कंट्री ने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द 65th इंडियन नेशनल फिल्म अवार्ड। तो इंडियन नेशनल फिल्म अवार्ड में किस एक्टर ने 65वें इंडियन नेशनल फिल्म अवार्ड में किस एक्टर ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है, तो ये जीता है रिद्धि सेन ने। यहाँ पे आंसर क्या होगा, ए। यदि 2019 में पूछें जो 66th इंडियन नेशनल फिल्म अवार्ड हुआ था प्रोग्राम, तो उसमें किसने जीता है, तो उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है आयुष्मान खुराना को, उनकी मूवी जो अंधाधुन है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9, नेम द ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय पंडित करुप्पम। पंडित करुप्पम के द्वारा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी,
तो वो की गई थी कोचिन पुल्यसवा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन फॉर द प्रेजेंस ऑफ एशियाटिक वाइल्ड एस। किस रीजन को एशियाटिक वाइल्ड एस प्रेजेंट है वहाँ पर, उसके नाम से जाना जाता है? तो वो है रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ को एशियाटिक वाइल्ड एस है वहाँ पर, इसलिए इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज अ प्लान हॉलीडे इन इंडियन हिस्ट्री। प्लान हॉलीडे किस टाइम पीरियड को कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री में? तो वो टाइम पीरियड है 1966 से 1969, 1966 टू 1969। नेक्स्ट इज वेदाधिकारन निरुपम वॉज रिटन बाय। एक बुक है वेदाधिकारन निरुपम, एक इसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी चतांबी स्वामीकल के द्वारा। यहाँ पे आंसर होगा ए। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक वाटर वॉर्स प्राइवेटाइजेशन पॉल्यूशन एंड प्रॉफिट। तो ये बुक है जो किसने लिखी थी, ये लिखी थी वंदना शिवा ने। नेक्स्ट आता है टाइटल ऑफ द एम्परर ऑफ कुलक्षरा किंगडम वॉज। तो यहाँ पर कुलक्षरा किंगडम के जो एम्परर शासक हैं जो कौन थे, तो इसके शासक थे पेरुमल। नेक्स्ट इज हाउ मैनी राज्यसभा सीट्स आर अलॉटेड फॉर केरला। केरला के लिए 2018 में कितनी राज्यसभा सीट हैं जो अलॉट की गई थी, तो वो हुई थी 9 राज्यसभा सीटें। तो यहाँ पे आंसर आएगा सी, 9 सीटें। नेक्स्ट इज नेम द इंडियन रेसलर हु वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन रियो ओलंपिक ऑफ 2016। 2016 में जो रियो ओलंपिक गेम हुए थे, तो किस प्लेयर ने, किस इंडियन रेसलर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो ये जीता था साक्षी मलिक ने। आप स्पोर्ट्स से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनसे आप अच्छे से रेडी रहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स से भी एक या दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यदि सिलेबस में कहा जाए कि आपको जीके से क्वेश्चन आएंगे तो। नेक्स्ट आता है नेम द इंडियन रेवोल्यूशनरी हु लेटर बिकम अ रिनाउंड फिलोसोफर। तो वो कौन है? तो वो है अरबिंदो घोष। नेक्स्ट इज विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस एटीएम इन इंडिया। कौन सी बैंक ने इंडिया में पहली बार एटीएम इंट्रोड्यूस किया था, लाया था? तो वो थी एचएसबीसी बैंक। सो हियर इज द आंसर इज ए। नेक्स्ट इज नेम इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। तो इंडिया में ही बनाई गई बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो उसका, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है INS अरिहंत, जो इंडिया में ही बनाई गई सबमरीन मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट आता है हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन द स्टेट ऑफ। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल है कहाँ पर मनाया जाता है? तो मनाया जाता है नागालैंड में हर साल। तो यहाँ पे आंसर आएगा सी। नेक्स्ट इज सिस्टमिक विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट इज। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 21 से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज़ केयरफुली होकर पूरा वीडियो देखें, क्योंकि यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन है, 20 जीके के क्वेश्चन हैं और बाकी 80 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो नर्सिंग के सब्जेक्ट के हैं। क्वेश्चन नंबर 21 द सिस्टमिक विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द क्लाइंट। तो सिस्टमिक विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द क्लाइंट कहलाता है इंस्पेक्शन। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का नेचुरल सोर्स इम्पोर्टेंट क्या है? तो वो है सनलाइट, सूर्य की किरणों से सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वियनिंग शुड बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ। वियनिंग मीन्स होता क्या है? जो आफ्टर द एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, 6 महीने के बाद है जो फर्स्ट फूड स्टार्ट करते हैं बेबी में, तो वो कहलाते हैं वियनिंग। तो वियनिंग है जो कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए? 6 मंथ से। तो यहाँ पे आंसर आएगा डी, 6 मंथ। नेक्स्ट इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी इज। तो सोसाइटी की बेसिक यूनिट क्या है? तो वो है फैमिली। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा विथ कॉर्ड अटैच्ड टू द एज इज कॉल्ड। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी है, जिसमें प्लेसेंटा है जो कॉर्ड से अटैच रहता है, लेकिन कहाँ पर? एज पर, लास्ट पार्ट होता है वहाँ पर, तो वो कहलाता है बैटलडोर इंसर्शन। यहाँ पे आंसर होगा ए। नेक्स्ट इज पस फॉर्मेशन इन द सॉकेट्स ऑफ द टीथ इज। तो जो पस का फॉर्मेशन होता है टीथ के सॉकेट्स में, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? कहलाती है पेरिडोंटल डिसीज। नेक्स्ट इज नेम द मिडिल लेयर ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की मिडिल लेयर क्या है? तो है मायोमेट्रियम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28 मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट अ डिसीज।
तो डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो मेज़र यूज़ किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं प्रोफाइलैक्टिक। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू एग्जामिन द रेक्टम इज, तो रेक्टम के एग्जामिनेशन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, तो वो था प्रोक्टोस्कोपी। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पॉपुलेशन अलॉटेड फॉर एन आंगनवाड़ी वर्कर, एक आंगनवाड़ी वर्कर के लिए कितनी पॉपुलेशन में अलॉट किया जाता है, तो एक आंगनवाड़ी वर्कर को पर 1000 पॉपुलेशन के लिए अलॉट किया जाता है। नेक्स्ट इज एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, तो एक्सेसिव मीन्स ज़्यादा सलाइवा बनती है प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो इसको क्या कहा जाता है, कहलाता है पैटियलिज्म। नेक्स्ट इज वेस्टेड अपियरेंस विथ ओल्ड मैन लुक इज टिपिकल इन, तो वास्टेड अपियरेंस है जो ओल्ड मैन जैसे फेस देखेंगे बच्चों के, तो ये कंडीशन क्या इस किस टाइप के पेशेंट में देखने को मिलती है, तो मिलती है मरास्मस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, द एंगल ऑफ इंसर्शन ऑफ इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज, तो इंट्राडर्मल के लिए कौन सा जो एंगल है, कितने डिग्री एंगल पर इंसर्ट किया जाता है, तो होता है 15 डिग्री में, 90 डिग्री पर है जो इंट्रामस्कुलर होता है। नेक्स्ट आता है रूल ऑफ नाइन इज कॉमनली यूज असिस्मेंट इन, तो रूल ऑफ नाइन है जो बर्न पेशेंट में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूसिंग मेडिकेशन इन द स्पाइनल कैनाल इज, स्पाइनल कैनाल में जो मेडिकेशन यूज़ की जाती है उनको क्या कहा जाता है, तो कहलाती है इंट्राथेकल मेडिकेशन। नेक्स्ट इज एन आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ फूट एंड एंकल इज टर्म्ड एज, तो ये कंडीशन कहलाती है टेलीपस वेलगस। नेक्स्ट इज एलिजिबल कपल बिलोंग्स टू द एज ग्रुप ऑफ, तो जो एलिजिबल कपल्स हैं वो कितने एज ग्रुप तक के लोग कंसिडर किए जाते हैं इसमें, तो होते हैं 15 से 44 साल तक के लोग। नेक्स्ट इज पिगमेंटेशन ऑफ फेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर फेस पर जो पिगमेंटेशन देखने को मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं क्लाज्मा। नेक्स्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन, फीटल मेम्ब्रेन की बाहरी लेयर है जो कौन सी है और इसका क्या नाम है, तो वो है कोरियन है जो आउटर मोस्ट लेयर है, और एमनियन है जो इंटरनल एयर है लेयर है इनर मोस्ट लेयर। नेक्स्ट आता है द पीरियड ऑफ फर्स्ट 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी इज नोन एज द परपीरियम पीरियड, फर्स्ट 6 वीक आफ्टर डिलीवरी के बाद का जो टाइम होता है वो कहलाता है परपीरियम पीरियड। नेक्स्ट इज सिंपल मेथड टू इवैल्यूएट द फिजिकल कंडीशन ऑफ न्यूबॉर्न, तो कौन सी सिंपल मेथड है जो न्यूबॉर्न का फिजिकल कंडीशन के इवैल्यूएशन के लिए यूज़ की जाती है, तो वो है अपगार स्कोरिंग, यहाँ पे आंसर होगा डी। नेक्स्ट इज वॉशरमैन्स हैंड एंड फीट आर द टिपिकल साइन ऑफ, तो वॉशरमैन हैंड और फीट हैं जो किसका टिपिकल साइन माने जाते हैं, तो माने जाते हैं कॉलेरा के। नेक्स्ट इज द कॉजिटिव एजेंट ऑफ मम्स, मम्स का कॉजिटिव एजेंट क्या है, तो वो है पैरामिक्सो वायरस, हियर इज द आंसर इज ए। नेक्स्ट इज द हार्मोन विच कंट्रोल्स द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, तो वो पैराथार्मोन, तो यहाँ पे आंसर आएगा सी। नेक्स्ट इज अनकॉन्सियस वे ऑफ फॉरगेटिंग इज, अनकॉन्सियस वे क्या है फॉरगेटिंग का, तो वो रिप्रेशन है, डिफेंस मैकेनिज्म का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज कलर ऑफ मेकोनियम इज, जो फर्स्ट स्टूल पास करते हैं बेबी वो कहलाता है मेकोनियम, और नॉर्मल मेकोनियम का कलर है वो किस कलर का होता है, तो होता है डार्क ग्रीन कलर का, तो यहाँ पे आंसर होगा बी डार्क ग्रीन। नेक्स्ट इज इरप्शन ऑफ टीथ बिगन्स एंड, दांत हैं जो बच्चों में कब निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये होते हैं 6 मंथ में, तो यहाँ पे आंसर आएगा डी। नेक्स्ट इज टाइफॉइड फीवर इज ऑल्सो नोन एज, तो टाइफॉइड फीवर को है जो एंट्रिक फीवर के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेसिव वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज इज, तो एक्सेसिवली वाटरी डिस्चार्ज होगा नोज से, तो वो क्या कहलाता है रेनाइटिस, एपिस्टैक्सिस मीन्स होता है नोज ब्लीडिंग। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड, तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स एमनोरिया, करेक्ट आंसर इज डी एमनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स इज टर्म्ड एज, तो टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स के लिए क्या टर्म है जो यूज किया जाता है, तो वो होता है एफासमेंट, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट इज पेल्विक साइन ऑफ प्रेगनेंसी इज, तो पेल्विक साइन क्या है प्रेगनेंसी का, तो वो हैगर साइन, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ये हैगर साइन है, पेल्विक साइन है। नेक्स्ट इज नॉर्मल चेस्ट सर्कमफेरेंस एट द बर्थ इज, तो नॉर्मल चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है, होता है 31 to 33 सेंटीमीटर, 31 से 33 सेंटीमीटर है जो नॉर्मल चेस्ट सर्कमफेरेंस है। नेक्स्ट इज सोशल स्माइल अचीव्ड बाय द इन्फेंट्स एट द एज,
तो जो बच्चे इन्फेंट्स हैं वो सोशली मीन्स कोई भी उनको देखता है तो वो स्माइल कर देते हैं। तो ये कब स्टार्ट होती है, वे होती है 2 मंथ में। नेक्स्ट इज इनवॉलेंट्री पासेज ऑफ स्टूल इन चिल्ड्रन। तो इनवॉलेंट्री पासेज ऑफ स्टूल तो ये क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं एनकोप्रेसिस। यदि इनवॉलेंट्री पासेज ऑफ यूरिन होता तो वो कहलाता है एन्यूरेसिस। नेक्स्ट इज एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज टर्म्ड एज, इसके लिए डेसिडिया टर्म यूज़ किया जाता है। जो एंडोमेट्रियम है प्रेगनेंसी के टाइम पर उसको क्या टर्म यूज़ किया जाता है उस टाइम पे, तो टर्म होता है डेसिडुआ। नेक्स्ट इज अ वीक बिफोर एंड आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन इज कंसिडर्ड एज। तो एक वीक पहले और मेंस्ट्रुएशन के एक वीक बाद एक टाइम पीरियड कहलाता है सेफ पीरियड। नेक्स्ट इज विजिबल रिट्रैक्शन रिंग इज कॉल्ड। तो विजिबल रिट्रैक्शन रिंग क्या कहलाती है, कहलाते हैं बैंडल्स रिंग। नेक्स्ट इज जेरोप्थैल्मिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो जेरोप्थैल्मिया आँखों में एक इचिंग टाइप की होती है, रेडनेस देखने को मिलती है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है जेरोप्थैल्मिया। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ फॉल्स परसेप्शन। फॉल्स परसेप्शन क्या है, तो वो है इल्यूजन है जो फॉल्स परसेप्शन है। नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट का एग्जाम्पल है जो क्या है, तो वो है एल्बो ज्वाइंट। नेक्स्ट इज फेवरेबल पोजीशन फॉर गिविंग एनीमा। एनीमा के लिए सबसे ज़्यादा और फेवरेबल मींस मोस्टली यूज होने वाली पोजीशन क्या है, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट इज SOS मींस, यहाँ पर जो मेडिकेशन में एक टर्म यूज होते हैं तो SOS का मतलब है जो क्या होता है, वो होता है इफ़ नेसेसरी एन इमरजेंसी, यदि इमरजेंसी में ज़रूरत हो तभी। नेक्स्ट इज टीयरिंग ऑफ लिगामेंट्स और टिश्यू अराउंड अ जॉइंट इट्स कॉल्ड। तो टिशू के चारों तरफ किसी भी टाइप की टेयरिंग हो जाए लिगामेंट्स और टिशू में तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्प्रेन। नेक्स्ट इज विच इज एन एमोइलेंट अमंग दी फॉलोइंग, इनमें से क्या है जो एमोइलेंट है, तो वो है लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन को एज एन एमोइलेंट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एस्केरियासिस इज। तो एस्केरियासिस एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिकेशन है जो यूज़ की जाएगी, तो वो होगी मेवेंडाजोल। नेक्स्ट इज ब्रेक बोन फीवर इज द अदर नेम ऑफ। ब्रेक बोन फीवर को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज सेफ एंड इफेक्टिव ड्रग अगेंस्ट फाइलेरियल इन्फेक्शन। तो फाइलेरियल इन्फेक्शन में सेफ और इफेक्टिव मेडिकेशन है जो कौन सी है, तो वो हेट्राजन। नेक्स्ट इज टेस्ट टू फाइंड आउट अमाउंट ऑफ फ्री रेसिडुअल क्लोरीन प्रेजेंट इन द वाटर, इट्स नोन एज द ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं गाइस, जो आपका WCL का पेपर हुआ था उसमें इसमें के एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आए हुए होंगे, आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रग्स विच कॉज एक्सपल्सन ऑफ गैस फ्रॉम द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो कौन सी मेडिसिन है जो पेट में स्टमक और इंटेस्टाइन में गैस का फॉर्मेशन होता है उसको एक्सपल्सन करने के लिए हेल्पफुल होती है, तो वो है कार्मिनेटिव एजेंट। तो यहाँ पे आंसर होगा बी। नेक्स्ट इज वन पिंट इज इक्वल टू हाउ मैनी आउंस। तो वन पिंट है जो कितने आउंस के बराबर होता है, तो ये होता है 20 आउंस के बराबर। नेक्स्ट इज बर्थ वेट ट्रिपल्स बाय। तो बेबी का जो बर्थ एट द टाइम बर्थ के टाइम पर जो वेट था वो ट्रिपल 3 गुना है जो कब हो जाता है, तो होता है 1 ईयर में, 1 साल में, और डबल है जो 5 मंथ में हो जाता है, 5 to 6 मंथ में। नेक्स्ट इज द मोस्ट प्रिफर्ड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन फॉर चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स। इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में IM इंजेक्शन के लिए मोस्टली कौन सी साइट है जो प्रिफर की जाती है, तो वो है वास्टस लेटरलिस साइट। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट इज व्हाट इज BFHI। तो BFHI क्या है, तो वो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। तो यहाँ पे आंसर होगा बी। नेक्स्ट इज स्टरलाइजेशन बाय स्टीम अंडर प्रेशर इज कॉल्ड। तो स्टरलाइजेशन है जो स्टीम के थ्रू होगा तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ऑटोक्लेविंग। इसमें नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 76 फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन। तो एक टेक्निक कहलाती है असेप्सिस। नेक्स्ट इज द रेक्टम ऑफ सॉरी द रिटर्न ऑफ यूट्रस टू इट्स प्री ग्रेविड स्टेट आफ्टर डिलीवरी इट्स कॉल्ड द इन्वोल्यूशन। जो यूट्रस है आफ्टर द डिलीवरी प्री ग्रेविड स्टेट में चली जाए मीन्स जैसे पहले थी प्रेगनेंसी के पहले, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इन्वोल्यूशन। नेक्स्ट न्यूनेटल पीरियड इज फ्रॉम टू हाउ मेनी डेज। न्यूनेटल पीरियड है जो कब से कब तक का पीरियड माना जाता है, तो ये माना जाता है बर्थ टू 28 डेज।
नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप ऑफ द फीटल हेड एंड लिम्स टू इट्स ट्रंक इज टर्म्ड एज, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एटीट्यूड. नेक्स्ट इज सनसेट साइन इज सीन इन, सनसेट साइन है किस डिसीज में देखने को मिलता है, तो मिलता है हाइड्रोसेफेलस में. नेक्स्ट इज द पल्स में बी फेल्ट एट आर्टरी इन फ्रंट ऑफ द रिस्ट, कौन सी पल्स है जो रिस्ट में इन फ्रंट ऑफ द रिस्ट फील की जाती है, तो वो रेडियल पल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल द फॉलोइंग आर नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ यूरिन एक्सपेक्ट, यूरिन में सभी कॉन्स्टिट्यूट प्रेजेंट रहते हैं बट किसी एक को छोड़कर, तो वो एल्ब्यूमिन. सो हियर इज द आंसर इज सी. नेक्स्ट इज एन इंडेक्स ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इज, तो कौन सा इंडेक्स है, तो है पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम के थ्रू स्टैंडर्ड, तो लोगों का स्टैंडर्ड किस टाइप से लिविंग स्टैंडर्ड है उसका पता लगाया जा सकता है. नेक्स्ट आता है द कैबिनेट टेम्परेचर ऑफ ILR इज मेंटेन एट, तो कैबिनेट टेम्परेचर कितना मेंटेन किया था ILR में, तो होता है +2°C टू +8°C. नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल, फीटल स्केल का सबसे छोटा डायमीटर क्या है, तो वो है बाईटेम्पोरल डायमीटर. नेक्स्ट इज नेम वन एनिमल सोर्स ऑफ डायट्री फैट, डायट्री फैट का एक एनिमल सोर्स है जो क्या है, तो वो है फिश ऑयल. नेक्स्ट इज द डोज ऑफ BCG वैक्सीन इन द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, तो BCG वैक्सीनेशन होता है तो उसमें जो BCG का डोज है वो कितना होता है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है, तो BCG का डोज होता है 0.05 ml. नेक्स्ट इज द पेंटावेलेंट वैक्सीन गिवन एट इंटरवल ऑफ, तो जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है उसमें कितने इंटरवल पे दी जाती हैं, तो 6 week, 10 weeks एंड 14 weeks. नेक्स्ट इज पेशेंट रिसीविंग आइसोनियाजिड INH आर प्रोवाइडेड विथ अ सप्लीमेंट ऑफ, तो जो ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए आइसोनियाजिड मेडिसिन यूज़ की जाती है, तो उसमें आइसोनियाजिड के साथ साथ और कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ किए जाते हैं साथ में, तो वो है पायरिडॉक्सिन. नेक्स्ट इज आयोडाइज्ड सॉल्ट इंक्लूड्स कॉमन सॉल्ट मिक्स्ड विथ, तो ये और इसमें क्या मिक्स रहता है, तो इसमें पोटेशियम आयोडेट मिक्स रहता है. नेक्स्ट इज बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इन्फेंट न्यूट्रिशन, इन्फेंट न्यूट्रिशन का बेस्ट इंडिकेटर क्या है, तो वह बॉडी वेट. नेक्स्ट क्वेश्चन द मल्टीपर्पज वर्कर स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन, तो मल्टीपर्पज वर्कर स्कीम है जो कब लॉन्च हुई थी, तो ये लॉन्च हुई थी 1982 में, ये स्कीम है जो ये लॉन्च हुई थी 1974 में, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ए 1974. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, मीजल्स वैक्सीन गिवन ओनली ऑन, मीजल्स वैक्सीन है जो कहाँ पर दी जाती है हमेशा, तो ये दी जाती है हमेशा राइट अपर आर्म में. नेक्स्ट क्वेश्चन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी इज, तो हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड है जो कितना होता है, तो होता है 50 to 180 days, 50 to 180 days. नेक्स्ट इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्यूबरक्लिन टेस्ट, ट्यूबरक्लिन टेस्ट के लिए, माउंटेक्स टेस्ट के लिए जो PPD इंसर्ट करते हैं किस रूट से करते हैं, तो करते हैं इंट्राडर्मल रूट से. नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट कोर्स ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स शुड बी स्ट्रिक्टली स्टार्टेड ऑन विच डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, तो ये होती है 5th day से 5वें दिन से. नेक्स्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फंडस फेल्ट एट द लेवल ऑफ एक्सीफेस्टर्नम, प्रेगनेंसी के टाइम पर जो फंडस है एक्सफेस्टर्नम तक फील होने लगता है, तो कितने वीक की प्रेगनेंसी में फील होता है, तो होता है 36 weeks में. नेक्स्ट इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है वो कब मनाया जाता है हर साल, तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को, 24 मार्च को. नेक्स्ट इज द हार्ट ऑफ स्लो सेंड फिल्टर इज, तो ये क्या है, तो इसका आंसर होगा वाइटल लेयर. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन थीम ऑफ वर्ल्ड डे 2018 इज, 2018 में वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या थी, तो वो थी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर, करेक्ट आंसर इज सी. तो गाइज यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस थे. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं उनमें कमेंट्स कीजिए अपने. तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय.